हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो स्वागत है आपका मेक और प्रोडक्ट में, जहाँ आपको नए नए प्रोडक्ट के रिव्यू देखने को मिलते हैं। तो आज हम कोई रिव्यू नहीं करने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्लो एंड लवली एंड फेयर एंड लवली प्लस ग्लो एंड लवली का डिफरेंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये है ग्लो एंड लवली, जो कि न्यू लॉन्च हुए सीरम क्रीम है उनकी, और इसकी MRP है 50 रुपीज़ में आपको 13 ग्राम आती है। और ये वाटर लाइट ग्लो फॉर्मूला है, मतलब वाइट ही क्रीम है बट थोड़ा सा ग्लॉसी लुक देती है। मैं आपको इसे लगाकर बताऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा इसमें का और इसमें का डिफरेंस। और ये नॉर्मल हमारी फेयर एंड लवली है, जो कि MRP है 62 रुपीज़, और 62 में ये आपको 25 ग्राम आती है। ये वाइट क्रीम है नॉर्मल। तो चलिए मैं आपको इसमें का दोनों में का डिफरेंस दिखा देती हूँ, कौन सी बेस्ट है और कौन सी नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ फेयर एंड लवली, जो कि अभी ग्लो एंड लवली है। तो इसका सबको ही पता है कि वाइट क्रीम होती है, जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है, ये आप देख सकते हैं वाइट थोड़ी सी। और अब मैं बताऊंगी ये ग्लो एंड लवली हाइड्रा ग्लो वाली मिनी क्रीम। ये बहुत ही छोटी है, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल साइज़ है, मतलब सॉरी ये वो ट्रैवल साइज़ है। आप इसे कहीं पर भी बैग में कैरी कर सकते हो। ये मॉइस्चराइजिंग भी करती है, हाइड्रेशन भी देती है आपको। ये एक सीरम क्रीम है, जैसे गार्नियर की विटामिन सी वाली जो सीरम क्रीम आती है वैसा ही इसका टेक्सचर है, बट थोड़ा सा ग्लॉसी है, जैसे कि लूमी क्रीम के जैसा। लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, सेम ही है वाइट कलर की, बट थोड़ा सा थिकनेस कम है, जो कि फेयर एंड लवली का थिकनेस ज़्यादा होता है इससे। तो स्किन में इंस्टेंट मर्ज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग ऐसा फील आ रहा है, वैसा ही कर रही है, और हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग आपको प्रोवाइड कर रही है। और बहुत ही अच्छा, एकदम स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है। और नॉर्मल जो फेयर एंड लवली है वो सिर्फ ग्लो करती है। इस पर मैंने फेयर एंड लवली लगाई, फेयर एंड लवली प्लस ग्लो एंड लवली जो कि अभी है वो लगाई है, और इस पर मैंने सिर्फ ग्लो एंड लवली लगाई है। तो आप देख सकते हैं सी डिफरेंस। तो इसमें ज़्यादा ग्लो है, जो कि 50 रुपीज़ वाली क्रीम है। ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मैं आपको डिफरेंस बता रही थी ग्लो एंड लवली एंड फेयर एंड लवली में का, क्योंकि ज़्यादा तो डिफरेंस है नहीं। जो भी है वो मैंने आपको बता दिया कि प्लस माइनस का डिफरेंस है दोनों में। ये बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो उसके बजाय आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी वैसे ही टेक्सचर में है, बट थोड़ी सी कम थिक है, ये ज़्यादा थिक होती है। लगाने के बाद बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिखती है, बट ये ऐसी नहीं है, ये एकदम स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और इंस्टेंट आपको ग्लो भी देती है अच्छा वाला। तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ये वाली भी, 50 रुपीज़ वाली भी मिनी, ये भी अच्छी है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।